बहुत खास दोस्त है मेरे, सबसे ट्रू फ्रेंड्स है जो मुझे असली रिपोर्ट देंगे, जो ऑनेस्टली मुझे बताएंगे क्या लगा फिल्म के बारे में. तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू देयर रिस्पॉन्सेज. और क्या बताऊँ, या गुड गुड इट्स हैपनिंग. आपके कैरेक्टर के बारे में अगर हमें कुछ बताएंगे, क्या कुछ करते हैं? मेरा कैरेक्टर का नाम है सहाना. वो एक मॉडर्न डे लड़की है, कॉर्पोरेट कंपनी में काम कर रही है, और उसका हस्बैंड है करण, एंड ही इज़ आल्सो वर्किंग, और दे हैव अ बेबी, एंड इट्स ऑल अबाउट बेसिकली हाउ टू मैनेज वर्किंग लाइफ विद फैमिली लाइफ, हाउ टू मैनेज द प्रोफेशनल एंड द पर्सनल. ओके, कल की सो इसी से रिलेटेड आपने एक पोस्ट फेसबुक पे शेयर किया, तो उसके बारे में बताइए. हाँ, एक पोस्ट शेयर किया क्योंकि हम बहुत पेरेंटिंग के बारे में बहुत बात कर रहे थे, और मदर डॉटर रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे थे, तो मैंने सोचा एक ब्लॉग लिखूं. लेकिन मैं खुद, मेरे पास बच्चे नहीं है, तो मैंने मेरी मम्मी को फ़ोन किया, एंड आई आस्क्ड हर हाउ वाज द एक्सपीरियंस टू गिव बर्थ टू मी, तो उसके बारे में मैंने एक ब्लॉग लिखी. ओके, सो ये जो फिल्म आप कर रही थी, तो आपके माइंड में क्या था? बिकॉज आप कितने डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले करती है, सो व्हाइल प्लेइंग दिस कैरेक्टर व्हाट वाज ऑन योर माइंड? आई वाज वेरी एक्साइटेड. पहली बार तो एक मदर का रोल कर रही हूँ. नॉर्मली तो आई डू अंडर एज रोल्स, लाइक 18-19 ईयर रोल्स, सो फर्स्ट टाइम आई एम प्लेइंग समवन माय एज, एंड आई थिंक एक बहुत ही सेंसिटिव, रिलेटेबल, रियल सब्जेक्ट है. और या मैम जो कंटेंट है इसमें, एक हस्बैंड वाइफ का जो अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते, एक दूसरे को टाइम, ऐसा कुछ आपने रियल में एक्सपीरियंस किया है अपने कुछ? अरे मेरे पास तो बच्चे नहीं है, बट ऑब्वियसली बहुत होता है आजकल. आई थिंक इन अ सिटी, बॉम्बे काफ़ी महंगी शहर है, और ऐसे शहर में टू बैलेंस वर्क लाइफ एंड फैमिली लाइफ काफ़ी मुश्किल है, एंड दैट्स वाई काफ़ी रिलेटेबल है, बिकॉज़ आई थिंक एनी अर्बन कपल टुडे जिसने शादी की और उसके बाद बच्चे के बारे में सोच रहे हैं, ये प्रॉब्लम फेस करेंगे. तो हाँ, बहुत अच्छी थी. मेरी छोटी बच्ची की नाम है कियारा सोनी इन रियल लाइफ. एक्ट्रेस नेम इज़ कियारा सोनी. अभी वो 4 साल की है, एंड शी हैज़ डन अ ब्यूटिफुल जॉब इन द फिल्म, एंड ऑफकोर्स वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर. आई हैव सीन फ्रोजन 100 टाइम्स. फ्रोजन देखता फिर से देखता फ्रोजन, बट वी स्टिल वेरी मच इन टच. यही लोखनवाला में रहती है, सो वी समटाइम्स गो स्विमिंग ऑन संडेज विद द फैमिली. शी इज रियली क्वाइट अ स्पेशल थिंग. किस के बारे में? अभी तो मैं दिल्ली में थी, शूट कर रही थी जोया अख्तर के साथ, और उसने मुझे बताया कि फिल्म बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है, ट्रेलर बहुत अच्छी लगी उनको. तो या आई डोंट नो, आई हैवंट रियली हर्ड फ्रॉम ऑल बिग सेलिब्रिटीज. हाँ, अभी एक फिल्म शूट कर रही हूँ मैं और कोंकणा सेन शर्मा, एंड दैट फिल्म इज़ कॉल्ड स्कॉलरशिप. और ये वेब सीरीज़ कर रही हूँ जोया अख्तर के साथ, विच इज़ कॉल्ड मेड इन हेवन, विच इज़ ऑन बिग रिच इंडियन वेडिंग्स गोइंग रॉन्ग. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. Oh,
नहीं नो प्रॉब्लम चले चलो 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 ओके गुल्लू सेव अ सीट फॉर मी ना हाँ नेक्स्ट टू यू ओके विपिन के बारे में जानना चाहेंगे ट्रेलर देखा होगा आप देखिए कैसा लगा ट्रेलर आपको ट्रेलर मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा और हटा दो बैग वो बैग ले लीजिए नो प्रॉब्लम मैम चलेगा ट्रेलर मुझे काफ़ी अच्छा लगा काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा और दोनों मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं सुमित और कल्कि अलग अलग प्लेस किया है हमने साथ में तो और सुमित की ये मतलब लीड में फिल्म शायद पहली है या फिर यू नो इन द जोन पहला होगा तो बहुत एक्साइटेड हूँ दोनों के लिए और क्योंकि कल्कि का एक बेबी भी है और फिल्म में एक एंड शी इज़ वेरी गुड विथ किड्स इट्स आई थिंक बहुत अच्छा एक सेटअप बहुत इसका इंटरेस्टिंग लग रहा है और बहुत रियल लग रहा है तो देखते हैं और बहुत दोनों ही बहुत अच्छे एक्टर्स हैं एक्टर्स जो इम्प्रोवाइज करते हैं जो सीन्स बना सकते हैं साथ में काम मिलकर तो आई थिंक इट विल बी क्वाइट इंटरेस्टिंग टू सी हाउ टू पीपल जैम यू नो इन इन फिल्म्स हाँ हाँ मैंने इनफैक्ट जब लोग जब ये लोग शूट करना चालू किए थे तब ये लोग स्टोरीज़ जनरली कल्कि से सुनती थी मैं बच्चे को कैसे हैंडल किया वो बहुत क्लोज हो गई थी जो बच्ची है उसके साथ और एक जो छोटी बेबी थी एक बड़ी बच्ची एक छोटी बेबी है तो उसकी कहानियाँ और जैसे जो जो थोड़ी बड़ी थी लड़की वो कल्कि को ज़्यादा पसंद करती है सुमित से तो वो सब चीज़ें जो होता है जनरली मतलब पीछे की बातें तो हाँ अच्छा ही था एंड आई थिंक इट्स अ वेरी स्वीट स्मॉल फिल्म एंड अभी ना छोटी फिल्म में बेटर आई थिंक लोगों को भा रही है ज़्यादा बड़ी फिल्म में उतना काम नहीं कर रही है तो आई एम जस्ट होपिंग दिस फिल्म रियली वर्क्स फॉर बोथ ऑफ देम एंड द होल टीम एंड विश देम लक थैंक यू थैंक यू